Hello children, today we are going to make a spring craft. For this we need इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें ये येलो पेपर लेना है। ये A4 साइज पेपर है। इस तरीके से इसकी स्प्रिंग्स कट करेंगे। ये मैंने लाइट येलो और डार्क येलो से स्ट्रिप कट कर इसको हम इस साइज में कट करेंगे। मैं डबल शेड का बना रही हूँ, आप इसको सिंगल शेड में भी बना सकते हैं। और इसको इस तरीके से फोल्ड करके स्टिक कर देंगे। इस तरीके से कैटरपिलर बनाने के लिए करीब 8 फोल्ड हम तैयार कर लेंगे ऐसे। ये इस तरीके से हमने सारे सर्कल्स फोल्ड कर लिए। अब एक के बाद एक हमें स्टिक करना है और इनके जो जॉइंट्स हैं ये हमें फ्रंट पर नहीं दिखने चाहिए। अगर आप टू कलर का यूज़ कर रहे हो तो एक हम डार्क लेंगे और एक लाइट कलर का पेपर लेंगे इस तरीके से। और अगर हम सिंगल कलर यूज़ कर रहे हैं तो हमें एक के बाद एक कलर लगाना है। बस केवल इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा जॉइंट है वो ऊपर की तरफ नहीं आना चाहिए इस तरीके से। ये हम एक के बाद एक 8 पीसेस लगाते जाएंगे। स्ट्रिप लेंगे और ऐसे दो सर्किल बनाएंगे पास पास, उसको मार्कर से ड्रॉ करेंगे और हमने आईज बना दिए। कोई भी डार्क कलर लेंगे, ब्लैक कलर भी ले सकते हैं और मैंने यहाँ पे पर्पल कलर लिया है। इससे हम कैटरपिलर के एंटीनास बनाएंगे और उसको भी कट कर देंगे। ओके, कैटरपिलर कहाँ पे रहता है? लीव्स पर रहता है, सभी को पता है ना ये वाली बात। तो हम ग्रीन कलर का पेपर लेंगे और उसको लीव की शेप में इस तरीके से हमें कटिंग करना है, जिसके ऊपर हम अपने कैटरपिलर को सेट करेंगे। लीव कटिंग की हमने, अब इसको ऐसे लीफ का इफेक्ट दे देंगे हम मार्कर से। ये एंटीना रेडी हो गए और ये बस आईज कट करनी है। इस तरीके से हम इसको डबल कटिंग कर देंगे। ये सबसे पहले यहाँ पे हम इसका एंटीना लगा देंगे इस तरीके से। इसके बाद आईज को स्टिक कर देंगे। और एक छोटी सी टेल बना देंगे इस तरीके से। मैंने जैसे हमने एंटीना बनाया था डबल, ऐसे ही इसकी टेल बनाएंगे और इसकी टेल को भी हम यहाँ पे स्टिक कर देंगे। और ये आपका कैटरपिलर रेडी है। ये लीव बन गई और इसके ऊपर हमने ये कैटरपिलर रख दिया। अब चाहे तो कैटरपिलर को हम ऐसे ऐसे भी इसके साथ आप प्ले कर सकते हो, ऐसे ऐसे भी दिखा सकते हो और इसको इस तरीके से स्टिक भी कर सकते हो। तो ये स्प्रिंग क्राफ्ट आपका बनकर रेडी हो गया। Now children, we are going to make
पेपर क्राउन विद ग्लिटर शीट. पेपर क्राउन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लिटर शीट ली है और कुछ स्टार्स लिए हैं और डेकोरेटिव बीट्स लिए हैं. सबसे पहले इस ग्लिटर शीट को हम ऐसे दो स्ट्रिप्स में कटिंग करेंगे और उसके साथ साथ 5 ऐसे ट्रायंगल शेप भी हम सेम कलर से कट करेंगे. इस तरीके से स्केल की हेल्प से ऐसे दो स्ट्रिप कट करेंगे. ये स्ट्रिप कटिंग की है और ये ट्रायंगल शेप, ये हम 6, 7 या 5 अकॉर्डिंग टू द सर्कल कटिंग करेंगे. अब इस स्ट्रिप को ऐसे हम दूसरी स्ट्रिप के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छे से स्टेपल कर देंगे. ये जो हमने ट्रायंगल कट किए हैं ये सारे स्ट्रिप के ऊपर इस तरीके से रख के और इसको स्टेपल करते जाएंगे. थोड़ा सा स्पेस शुरू में हम ऐसे छोड़ेंगे क्योंकि बाद में इसको आपस में जॉइन करने के लिए हमें प्लेस चाहिए होगा. ये इस तरीके से स्टेपल करके जितने भी ट्रायंगल हमने कट किए थे इस स्ट्रिप पर ऐसे ऐड कर दिए हैं. अब हम डेकोरेशन भी इसको स्ट्रेट में ही कर लेंगे, ये हमारे लिए इजी रहेगा. मेरे पास ये बीट्स हैं जिनको मैं ऐसे डेकोरेट कर रही हूँ. जो हमने स्टेपलर पिन यूज किया है इससे ये भी छुप जाएगा. डेकोरेशन के लिए हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं. ये हमने फूल बीड्स लगा दिए हैं. अब मेरे पास ये कुछ फ्लावर्स हैं, एक एक फ्लावर मैं यहाँ पे लगाती जाऊंगी. इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे और एक एक फ्लावर को इस तरीके से लगाएंगे. इसको और सुंदर बनाने के लिए मैंने ये स्टार्स यूज किए हैं. यहाँ पर भी हमें थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाना है और इस तरीके से हम इसके बिल्कुल टिप्स पर एक एक स्टार भी स्टिक कर देंगे. अब हम पहले इतना रेडी कर लेते हैं ये सारे फ्लावर्स और ये वाले सब स्टार्स. ये हमने इस तरीके से स्टिक कर दिए क्राउन पर. जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए तो इस तरीके से हमें क्राउन को फोल्ड करना है और इसको हम स्टेपल कर देंगे. थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी लेकिन आराम से हो जाएगा, इट इज वेरी इजी. और ये देखो इस तरीके से ये हमारा क्राउन रेडी हो गया है.